Good morning, students. In today's science class, we are going to study chapter 7, parts of a plant. Part 1 में हमने shoot and root के बारे में देखा. The part of a plant that grows above the ground is called the shoot. Plant का वो part जो ground यानी जमीन के above यानी ऊपर जो ग्रोज होता है उस पार्ट को क्या कहा जाता है सूट कहा जाता है. द पार्ट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट. रूट किसे कहा जाता है? प्लांट का वो पार्ट ग्राउंड यानी जमीन के बिलो यानी नीचे ग्रोज होता है उसे क्या कहा जाता है? रूट कहा जाता है. नेक्स्ट हमने द रूट एंड उनके फंक्शंस यानी उनके कार्य क्या होते हैं उनके बारे में देखा. नेक्स्ट हमने द स्टेम के बारे में देखा एंड उनके फंक्शंस यानी उनके कार्य क्या होते हैं वो देखा कि ब्रांचेस लीव्स एंड जो फ्लावर्स होते हैं वो स्टेम पर क्या होते हैं ग्रो होते हैं यानी उगते हैं. द स्टेम ग्रोज टू काइंड्स ऑफ बर्ड्स. स्टेम पर टू काइंड्स ऑफ बर्ड्स यानी दो प्रकार की क्या होती है बर्ड्स यानी कलियां होती है. वन काइंड ग्रोज इनटू फ्लावर्स यानी एक प्रकार वो है कि बर्ड यानी जो कली होती है उसमें से क्या ग्रोज होते हैं फ्लावर्स. एंड सेकंड वन बर्ड्स में से क्या ग्रोज होता है ब्रांचेस एंड लीव्स. तो हमने ये सेकंड पार्ट में उनके बारे में डिटेल में जान लिया है. नेक्स्ट पार्ट में हमने क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स के बारे में जाना. क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स जो होते हैं उनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है वीक यानी कमजोर होती है. क्रीपर्स वो होते हैं जो जमीन पर रेंगते हैं उसे क्या कहा जाता है क्रीपर्स. क्लाइंबर्स वो होते हैं कि उनको स्टैंड यानी खड़े रहने के लिए किसी ना किसी सपोर्ट यानी सहारे की जरूरत होती है. वो खुद खड़े नहीं रह पाते हैं उसे किसी ना किसी सपोर्ट यानी सहारे की जरूरत होती है. नेक्स्ट पार्ट में हमने हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज के बारे में देखा. हर्ब्स जो होते हैं वो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है सॉफ्ट होती है. श्रब्स जो होते हैं वो हर्ब से बड़े होते हैं एंड जो ट्रीज जो होते हैं यानी जो पेड़ होते हैं उससे वो छोटे होते हैं. उनकी जो स्टेम्स होती है वो कैसी होती है हार्ड एंड वुडी होती है. ट्रीज जो होते हैं उनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है थिक एंड स्ट्रॉन्ग होती है. ट्रीज की जो स्टेम होती है उसे क्या कहा जाता है ट्रंक कहा जाता है. बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज यानी जो बड़े होते हैं एंड जो ऊंचे होते हैं ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है ट्रीज कहा जाता है. तो हमने हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज उनके बारे में डिटेल में जान लिया है. नेक्स्ट पार्ट में हमने द लीव्स यानी जो पत्ते होते हैं उनके बारे में देखा एंड उनके जो फंक्शंस क्या है उनके बारे में देखा कि जो लीव्स होते हैं वो प्लांट यानी जो पौधा होता है उनके लिए वो क्या बनाते हैं फूड बनाते हैं यानी खाना बनाते हैं. दे यूज वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक फूड. लीव्स जो होते हैं वो सॉइल यानी मिट्टी में से वाटर को लेते हैं एंड एयर यानी जो हवा होती है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वो लेते हैं यानी उनका यूज करके वो खाना बनाते हैं. लीव्स यानी जो पत्ते होते हैं वो किन किन का यूज करके प्लांट के लिए फूड यानी खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सनलाइट.
यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है उनका यूज करके लीव्स प्लांट के लिए क्या बनाते हैं, फूड यानी खाना बनाते हैं। सेकंड वन, लीव्स आल्सो हेल्प अ प्लांट टेक इन एयर। लीव्स यानी जो पत्ते होते हैं वो प्लांट को एयर यानी हवा लेने में भी क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं। दे हैव पोर्स यानी टाइनी होल्स थ्रू विच एयर एंटर्स। लीव्स यानी जो पत्ते होते हैं उनमें क्या होते हैं, पोर्स यानी टाइनी होल्स, छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जिसके थ्रू एयर यानी जो हवा है वो अंदर एंटर होती है। यानी जो लीव्स होते हैं वो प्लांट को एयर यानी हवा लेने में भी वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यहाँ तक हमने आगे के पार्ट्स में देख लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द फ्लावर्स। द फ्लावर्स यानी जो फूल होते हैं उनके बारे में जानते हैं। द जॉब ऑफ फ्लावर्स इज टू हेल्प न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अ प्लांट। फ्लावर्स यानी जो फूल होते हैं उनका कार्य क्या होता है, क्या होता है उनका कार्य, कि एक प्लांट से नए प्लांट्स, न्यू प्लांट्स यानी नए पौधों को ग्रो करने में हेल्प करना। फ्लावर्स यानी जो फूल होते हैं उनका कार्य यह होता है कि एक प्लांट से न्यू प्लांट्स को क्या करना, ग्रो करना। द फ्लावर ग्रोज इनटू द फ्रूट विच हैज सीड्स। फ्लावर यानी जो फूल होता है उसमें से क्या होता है, फ्रूट होता है। फर्स्ट क्या होता है, फ्लावर होता है एंड उसमें से क्या होता है, फ्रूट होता है। एंड फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, क्या होते हैं फ्रूट के अंदर, सीड्स यानी जो बीज होते हैं वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, फ्लावर होता है एंड फ्लावर में से क्या ग्रोज होता है, फ्रूट ग्रोज होता है। एंड फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, सीड्स यानी बीज होते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। आप लोगों को भी पता ही है कि सीड्स यानी जो बीज होते हैं उनको हम जमीन के अंदर बोएंगे तो उसमें से क्या होते हैं, सीड्स को हम जमीन के अंदर बोएंगे तो उसमें से क्या होंगे, न्यू प्लांट्स यानी नए पौधे होंगे। यानी हम सीड्स यानी जो बीज होते हैं उनको हम जमीन के अंदर बोएंगे तो उसमें से न्यू प्लांट्स ग्रोज होते हैं यानी नए प्लांट्स होते हैं। इस वीडियो में देखिए, फ्लावर यानी जो फूल होता है उसमें से फ्रूट कैसे होता है, देखिए इस वीडियो में। फ्लावर यानी जो फूल होता है उसमें से क्या ग्रोज होता है, फ्रूट। एंड फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, सीड्स यानी बीज होते हैं। एंड वो सीड्स यानी जो बीज होते हैं उनको हम जमीन के अंदर बोएंगे तो उसमें से न्यू प्लांट्स यानी नए पौधे ग्रो होते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर 7 पूरा होता है। थैंक यू।